दिल्ली में बस मार्शलों की नियुक्ति का मुद्दा दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच मार्शलों की नियुक्ति पर राजनीति की जिम्मेदारी बीजेपी समेत आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार बताया और निवेदन किया कि उन्हें जल्द नियुक्त किया जाए ताकि बस मार्शल लोकतंत्र में खुद को शोषित महसूस न करें। राजधानी दिल्ली में बस मार्शलों की नियुक्ति का मुद्दा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इस बीच दिल्ली कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इस वक्त प्रदर्शन हो या बयानबाजियां, इनके माध्यम से आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच बस मार्शल दब कर रह गया है। दिवाली में बस मार्शलों का दिवाला निकल गया, उनके घर चूल्हा जल रहा है या नहीं, राशन है या नहीं, इन सब से राजनीति कर रही पार्टियों को कोई मतलब नहीं है। सवाल यही है कि मार्शल की नौकरी क्यों गई है और बहाली में इतनी दिक्कत क्यों हो रही है। दिल्ली में जिस तरीके से 10,000 बस मार्शलों के साथ बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं, या ये कहें कि लाखों परिवार जो है इस वक्त भुखमरी के कगार पर है, आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की इस नूरा कुश्ती की वजह से, जिसमें कि एक फाइल पर इनकी नौकरियों को बहाल करने के साइन होने हैं। कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर का कार्यालय कह रहा है कि हमें फाइल नहीं आई है, और मुख्यमंत्री उस फाइल को क्यों दबाकर बैठी है ये समझ के परे है। दिल्ली में उनकी दिवाली फीकी मनी है, उनके बच्चों की फीस जमा नहीं हो रही, उनके घर का किराया जमा नहीं हो रहा, उनके घर पर राशन नहीं है, इसका जिम्मेवार कौन है? पहली बात तो दिल्ली में ये बस मार्शल और सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स की नौकरी क्यों गई, और अगर गई तो अब बहाली होने में क्यों दिक्कत आ रही है? ये दोनों एक दूसरे के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और फुटबॉल की तरह इन बस मार्शलों को और वॉलंटियर्स को घुमा रहे हैं। हरनाम सिंह ने आगे कहा कि शीला दीक्षित के समय में वो एलजी से सलाह करके दिल्ली की जनता के अधिकार को पूरा करने का कार्य करती थी, लेकिन आज सिर्फ टकराव की राजनीति होती है जिसमें दिल्ली की जनता पिसती है। कहीं ना कहीं ये दोनों सरकारों की कमी, और विशेष रूप से आम आदमी पार्टी की इलेक्टेड गवर्नमेंट को मैं एक सलाह देना चाहूंगा कि जब शीला दीक्षित जी की कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त बहुत बार कभी लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के छोटे मोटे मतभेद होते थे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के घर स्वयं दिल्ली की तब की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी फाइल लेकर जाती थी, उनसे रिक्वेस्ट करती थी और साइन कराकर, वो ऐसे अनेकों उन्होंने काम किए हैं जिससे कि दिल्ली की जनता को बहुत सुशासन मिला है। मैं आतिशी जी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उन लाखों परिवार जो आज बेचारा भुखमरी की कगार पर है, जो वंचित तबके का है, वंचित समाज का है, उसको आप न्याय दिलाने का काम करिए, और जो साइन आपको करने हैं वो तुरंत साइन कर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास भेजें। इन बेचारे बस मार्शलों को और सिविल डिफेंस वॉलंटियर को इस तरीके से आप इनके साथ अन्याय अत्याचार नहीं कर सकते। आपको बता दें कि दिल्ली कांग्रेस ने सीएम आतिशी से निवेदन किया है कि वे बस मार्शल का सहयोग करें ताकि उन्हें उनका अधिकार मिल सके। टोटल टीवी के लिए दिल्ली से रिया राय की रिपोर्ट।